हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर पूजा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एज पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET PG लाइफ साइंसेज का 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस कि कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप आसानी से इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको गिवन है वो है कि द pH एट विच द नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन बिकम्स जीरो अंडर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज। ऐसा pH जहाँ पे जो प्रोटीन होता है उसका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो उसका नेट चार्ज बेसिकली जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी pH को हम क्या बोलते हैं, इसी pH को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको आप PI से भी डिनोट करते हो। ठीक है, PI क्या है, PI एक ऐसा pH है जहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका नेट चार्ज क्या होता है, यहाँ पे नेट चार्ज हो जाता है इनका जीरो। ठीक है, नेट चार्ज जो होगा इनका ये जीरो के इक्विवेलेंट हो जाता है। इसी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास नेट चार्ज जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इनके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल होने की वजह से नेट चार्ज जो होता है वो बेसिकली जीरो तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये होता है और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर आता है यहाँ पे हमारा अगला सवाल जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन क्रोमेटिन हैज हाई लाइसिन कंटेंट। कौन सा हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, जो क्रोमेटिन होता है उसमें वो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पे H1, H2A, H2B, H3, H4। तो ये जो होते हैं ये जो है उसमें से H1 जो होता है वो लिंकर DNA में प्रेजेंट होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये क्या होते हैं, ये डुप्लीकेसी में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं ये। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। इससे रिलेवेंट एक मैंने वीडियो अपलोड की है जो ये वाली है, आपको YouTube पे मिल जाएगी, हिस्टोन्स टाइप्स एंड फंक्शंस। सो डू वॉच दिस वीडियो, आपको और ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इसमें कौन सा हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसमें हाई कंटेंट होता है, किसका, लाइसिन का, क्योंकि हिस्टोन्स जो होते हैं उसमें हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी हायर कंटेंट में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है H3। H3 एक ऐसा हिस्टोन प्रोटीन है जिसमें कि हाईली बेसिक प्रोटीन्स जो होते हैं इसके क्रोमेटिन में मतलब प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमन इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सपेंडेड माइक्रो सैटेलाइट रिपीट्स के एक्सपेंशन की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, तो इन सब में आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, हंटिंगटन डिजीज, क्योंकि ये क्या होता है हंटिंगटन डिजीज में CAG नाम का जो आपका कोडोन है वो क्या होता है, इसकी यूनिट्स जो हैं, इसकी रिपीटेशन यूनिट्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये 5' to 3' CAG यूनिट्स होती हैं। ठीक है, रिपीटेड यूनिट्स होती हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 6 से 35 तक के बीच में ट्रैवल करती हैं, मतलब 6 से 35 तक होती हैं। अलग अलग एज ग्रुप्स में ये अलग अलग CAG के रिपीट्स आपको मिल जाती हैं कई बार। जैसे जैसे एजिंग होती है, एजिंग बढ़ने के साथ क्या होता है वहाँ पे हिस्टोन के जो जैसे जैसे एजिंग बढ़ेगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये जो कैग होता है ये क्या होता है, ये रिपीट होता जाता है। तो इसकी रिपीटिंग यूनिट्स जो होती हैं ये 6 to 35 से बढ़ के 36 से 121 यानी कि 36 to 121 तक बढ़ सकती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपको पॉलीग्लूटामीन की चेन मिलती है, पॉलीग्लूटामीन चेन क्यों बन गई यहाँ पे भाई, बिकॉज CAG जो है ये एक ट्रिपलेट है, ये किसको कोड करता है, ये ग्लूटामीन को कोड करता है। ठीक है, ये ग्लूटामीन को कोड करता है जिसकी वजह से, अब आप खुद सोचिए यहाँ पे CAG की रिपीट्स है, CAG का रिपीट है। इसी वजह से ये जो अमाइनो एसिड है अल्टीमेटली क्या करने वाले, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अल्टीमेटली आपको प्रोटीन ही तो दे रहे हैं, है ना, मल्टीपल अमाइनो एसिड्स मिल करके एक टाइप का प्रोटीन बना रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ग्लूटामीन जो है कि यहाँ पे 121 नंबर तक सोचिए आप, यहाँ पे मल्टीपल ग्लूटामीन्स जो होते हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लूटामीन चेन। तो ये आपको हंटिंगटन डिजीज में देखने को मिलता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, अ क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म टुगेदर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज। ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें आप ऑब्जर्वेशन यानी कि जो विजिबल कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करोगे तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी कि ये क्या है, ये विजिबल फीचर्स हैं। तो इसी विजिबल फीचर्स और इनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ऐसे फीचर्स जिनको आप विजुलाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, इनकी सिमिलैरिटी चेक करते हो और इनकी की सिमिलैरिटी के बेसिस पे आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो भी सिस्टम है, जो भी कैरेक्टर है उसको आप क्लासिफाई यहाँ पे करते हो। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं फेनेटिक्स में, फेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें ऐसे कैरेक्टर्स को लिया जाता है जो ऑब्जर्वेबल हैं या फिर जिनको आप मेजर कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए हम इनको फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द सीरम विच न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिन। तो ये सीरम में प्रेजेंट रहेंगे, न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिन्स को एंड एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स को और ये क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा टू प्रोटेक्ट द फीटस एंड नियोनेट। हमेशा याद रखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा और आप ये चीज कभी ना भूलें कि आईजीजी जो होता है, आईजीजी जो होता है ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। 85% इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है ह्यूमंस में वो 85% आईजीजी होता है मेजरली। ठीक है, और आईजीजी क्या है, एक मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है तो ये मोनोमेरिक है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, प्लेसेंटा को ये क्या कर सकते हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो होता है ये बहुत ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। उसी तरीके से अगर आप आईजीएम की बात करते हो तो आईजीएम जो होता है, आईजीएम क्या है, ये 5% मिलता है आपको। ये जो है ये आपको मोनोमर भी मिलता है, मोनोमर भी होता है और ये क्या होता है, ये पेंटामर भी होता है, पेंटामर भी होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वो पहली एंटीबॉडी कौन सी होगी जो रिस्पॉन्स प्राइमरी एंटीजन जब आता है उसके रिस्पॉन्स में बनती है, तो जैसे प्राइमरी एंटीजन कहने का मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में मान लीजिए ये सेल्स हैं, सेल्स के पास यहाँ पे बाहर से एक फॉरेन मॉलिक्यूल आया, ये फॉरेन मॉलिक्यूल जो है ये हमारी सेल, हमारी बॉडी इसको नहीं जानती है कि ये कौन है, तो जैसे ही ये, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंटीजन, तो ये जैसे ही आएगा तो इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो ये जो है फर्स्ट क्लास ऑफ, यानी कि फर्स्ट एंटीबॉडी है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट ये यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप IgE के बारे में देखोगे, IgE जो होते हैं थोड़े कम परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही कम, 0.02%, और ये क्या होते हैं, ये लोग भी मोनोमेरिक होते हैं, मोनोमर होता है ये भी। ठीक है, ये लोग भी क्या है, मोनोमर है। और IgE मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी IgE इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफेंस देंगे, डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंटली काम करते हैं, पैरासाइट या किसी और तरह की एलर्जी हो गई, यानी कि ये हाइपर सेंसिटिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब आपके पास बचते हैं IgD, सबको डिस्कस कर लिया तो इनको भी कर लेते हैं। ये होते हैं 0.3% के अराउंड, ये भी क्या है, ये भी मोनोमेरिक है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी मोनोमर है। तो पेंटामर सिर्फ कौन सा है, IgM। ठीक है, ये पेंटामेरिक कंपाउंड है। और IgA जो होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है आपको ऑप्शन में, IgA जो होता है वो क्या होता है, वो मोनोमर भी होता है, मोनोमर और डाइमर होता है। ये जे चेन से कनेक्टेड होते हैं, ये जो पेंटामेरिक कंपाउंड होंगे, जो डाइमेरिक कंपाउंड होंगे, ये क्या होंगे, जे चेन से कनेक्टेड होंगे। एंटीबॉडीज को जरूर पढ़ के जाइए, बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइए, हर साल सवाल आता है उसमें से।
तो ये IgD के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। IgD मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिंस होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं मैच्योर बी सेल्स के ऊपर। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पहली तो चीज की ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड है, और प्रेजेंट कहाँ है, ये प्रेजेंट ऑन मैच्योर बी सेल्स। बी सेल्स जो मैच्योर्ड हैं उनके ऊपर आपको IgD मॉलिक्यूल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है, IgA। IgA क्या होते हैं, ये एक ऐसी एंटीबॉडी की क्लास है जो सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है ये, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत 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 बार आते हैं, IgA बहुत बार रिपीट मोड में पूछा गया है, इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। तो IgA मॉलिक्यूल क्या है, ये प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी, ऐसी एंटीबॉडी की क्लास है जो कि क्या कर सकते हैं, सिक्रीशंस में प्रेजेंट होते हैं। किस तरह के सिक्रीशंस में प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ये प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में, ये प्रेजेंट होते हैं टीयर्स में, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में, मदर का जो मिल्क होता है उसमें भी आपको IgA मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं, उनकी क्लासेस हैं, उसमें किस तरह की परसेंटेज है, यानी कि कितना सीरम लेवल है, ये सब जो परसेंटेज में आपको लिखा गया है ये सीरम लेवल बताया गया है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, और ये किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या है, यहाँ पे IgG है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रेप्लिकेशन जो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड का ऑलवेज प्रोसीड करता है 5' to 3'। इन्होंने आपको एक बेसिक फैक्ट बता दिया कि रेप्लिकेशन जो होगा DNA का वो 5' to 3' होता है, और ये एक वेल नोन फैक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इफ द सीक्वेंस टेम्पलेट, जो सीक्वेंस है टेम्पलेट स्ट्रैंड की, वो क्या है, वो आपको यहाँ पे गिवन है, 5' to 3' आपको यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो गिवन है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ द DNA कैन बी रेड। तो यहाँ पे आपको प्राइमर्स नहीं डिजाइन करने हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है कि न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो होगा उसको आप कैसे रीड करोगे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, 5' है तो 5' के अगेंस्ट 3' बना देंगे, क्यों, क्योंकि DNA जो होता है, DNA का एक बेसिक फीचर होता है कि ये क्या होता है, ये एंटी पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो ये एंटी पैरेलल इन नेचर है, तो 3' हो गया और यहाँ पे आप 5' लिख दीजिए, ठीक है, यानी ये हमेशा यही ऐसे ही रहता है, ये बहुत बेसिक सी बात है। अब यहाँ पे देखिए एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है, तो ये भी एक यूनिवर्सल रूल है कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ पेयर करता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करता है। तो ये जो दो बॉन्ड्स हमने बनाए हैं यहाँ पे, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और एडेनिन और थायमिन जो हैं ये 2 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको यहाँ पे बता दें कि GC का कंटेंट जितना ज्यादा होगा किसी गिवन DNA में, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। कहने का मतलब जितना ज्यादा GC है उतना उस DNA को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने में आपको मेहनत लगेगी, ये सिंगल स्ट्रैंड में उतनी ज्यादा वो एनर्जी चाहिए उसको, तभी जा करके वो GC, यानी कि 3 बॉन्ड्स है ना, 3 बॉन्ड्स को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी इन कंपैरिजन टू द 2 बॉन्ड्स। दैट्स व्हाई जहां पे GC कंटेंट ज्यादा होता है वहां पे TMB हाई आता है, ठीक है। चलिए तो ये तो हुई बेसिक बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि एडेनिन AT के साथ बाइंड करता है, T जो है वो A के साथ बाइंड करेगा सर, C जो है वो G के साथ बाइंड करेगा, ये भी G के साथ बाइंड करेगा, ये भी G के साथ बाइंड करेगा, और T जो है वो A के साथ बाइंड करेगा। चलिए अब इसमें से ज्यादातर बच्चे क्या करने वाले हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें ये वाला आंसर टिक कर देने वाले हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे TAGGA आ गया है, तो सही है बिल्कुल, है ना। लेकिन ये आंसर एक गलत आंसर है, वाई, बिकॉज जब भी आप DNA को रीड करते हो तो आप उसको लिखते वक्त या रीड करते वक्त हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही रीड करते हो,
ठीक है। तो अब जब आप इसको 5' to 3' डायरेक्शन में रीड करोगे तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, 5' में क्या है आपका ए है, फिर ए के बाद क्या है जी 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 है, तो ए जी 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 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है फिर ए है, और फिर लास्ट में क्या है यहाँ पे टी है, तो 5' to 3'। अब ये जहां कहीं भी आपको लिखा गया होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपने ये आंसर चुन लेना था और ये गलत आंसर है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है हमेशा कि जो रीडिंग होती है, आपको इन्होंने खुद ही बता दिया है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है उसमें रेप्लिकेशन 5' to 3' में रेप्लिकेट करता है, बट रीडिंग जो होगी डीएनए की वो भी 5' to 3' में ही हम करते हैं, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट असेंशियल टू मेंटेन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इन अ पॉपुलेशन। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, हार्डी विनबर्ग लॉ जो है, उसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कौन सा कंडीशन एसेंशियल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने हार्डी विनबर्ग लॉ जो है P+Q=1 पढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर P² + 2PQ + Q² आपने इसको भी 1 पढ़ा हुआ है, तो ये आप कहते हो कि ये जो है ये एक इक्वेशन है जो दिया गया था इसी लॉ के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि कौन सा इसमें से हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का अजम्पशन नहीं है, समझ आई बात, अजम्पशन पूछना चाहते हैं आपसे। तो देखिए हार्डी विनबर्ग ने कहा था कि पॉपुलेशन जो होती है वो लार्ज हो और रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन हो, ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है, ये अजम्पशंस हैं, बेसिक अजम्पशंस हैं। स्मॉल और रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, तो इट मीन्स कि आपका यहाँ पे नॉट पूछा है तो आंसर बी ही होगा। जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जीन फ्लो नहीं होने का मतलब कोई इमिग्रेशन कोई एमिग्रेशन फालतू का, मतलब आना जाना जो है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में नहीं होना चाहिए। यानी हार्डी विनबर्ग ने ये अज्यूम किया था कि जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, वो एक क्लोज्ड पॉपुलेशन होगी, ठीक है, क्लोज्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए। क्लोज्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे इस पॉपुलेशन में ना तो कोई इमिग्रेशन होगी ना कोई एमिग्रेशन होगा, यानी कोई माइग्रेशन नहीं होगा। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है इमिग्रेशन प्लस एमिग्रेशन, मतलब आना और जाना को मिला के आप माइग्रेशन बोलते हो। तो किसी भी गिवन पॉपुलेशन में अगर माइग्रेशन नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन एक लार्ज पॉपुलेशन है, मतलब छोटा सा पॉपुलेशन नहीं है, ये बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं इस पॉपुलेशन में, मतलब कि, और ये रैंडमली मेट कर सकते हैं, इनके पास ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये बोला गया कि जीन फ्लो का एब्सेंस होना चाहिए, मतलब इमिग्रेशन एमिग्रेशन वगैरह जो होती है वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, ये भी हार्डी विनबर्ग ने कहा कि ऐसा होगा तो ही हम बोलेंगे कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है पॉपुलेशन। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो अजम्पशन है वो स्मॉल रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन का नहीं हो सकता, लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन का होता है। और अब यहाँ पे एक अगेन एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज स्यूडो सील, स्यूडो सिलोमेट्स कौन होते हैं। तो इन सब के ऑप्शंस जब आप देखोगे तो एस्कैरिस जो होता है उसको आप स्यूडो सिलोमेट्स बोलते हो। व्हाई, एस्कैरिस क्या है, बेसिकली ये नेमेटोड्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये नेमेटोड्स होते हैं। स्यूडो सिलोम क्या होता है, सबसे पहले बच्चे ये समझिए कि सिलोम क्या होता है। जब भी आपको किसी ऑर्गेनिज्म में सील टर्म का मतलब पूछा गया है, COEL, इट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ कैविटी, ठीक है। अब एक तरीका होता है, एक एनिमल का पॉपुलेशन होता है जिसको आप बोलते हो ए सिलोमेट, ठीक है, जिसमें सिलोम है ही नहीं। दूसरी कैटेगरी को आप बोलते हो स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट, ये कैटेगरी अभी आपसे पूछी गई है, तो इसका एग्जांपल जो है नेमेटोड्स होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं सिलोमेट, ठीक है, जिनमें सिलोम जो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब भी आप सिलोम की बात कर रहे हो तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप किन चीजों की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे तीन डिफरेंट लेयर्स की बात कर रहे हो। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एंडोडर्म, और तीसरी चीज होती है यहाँ पे मीजोडर्म, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ, आपको जीवन भर ये याद रहेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो, जब भी एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म तीनों लेयर अगर प्रेजेंट है, इट मींस कि ऑर्गेनिज्म क्या होगी, ये ऑर्गेनिज्म को आप ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलोगे, है ना,
जिनमें दो लेयर्स होती है एक्टो एंड एंडो, उनको आप डिप्लोब्लास्टिक बोलते हो। जिनमें ये तीनों लेयर्स होती है एक्टो एंडो मीजो, उसको आप ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। इसके आगे समझते हैं, अगर ये जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या बनाता है, बॉडी लाइनिंग जो है वो एक्टोडर्म की बनी होती है, तो इसको आप बोलते हो एक्टोडर्म। इसके अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। अगर जो मीजोडर्म है वो स्प्लिट कर जाए और स्प्लिट करके सिर्फ एक्टोडर्म को कवर करे, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, ये मीजोडर्म की लेयर है, ये मीजोडर्म की लेयर है और इसने स्प्लिट करके क्या किया है, सिर्फ बाहर वाली लेयर जो है उसको कवर किया है, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो सीलोमेट्स। यहाँ पे सीलोम तो बना लेकिन झूठा सीलोम बना, स्यूडो सीलोमेट मतलब कि ये जो है ये कंप्लीट सीलोम नहीं बना है, पूरी तरीके से पाउच नहीं बन पाया, यहाँ पे थोड़ा बहुत सीलोम बना है, कैविटी बन तो रही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो फिर सीलोमेट्स कौन है, सीलोमेट्स वो है बच्चे जहां पे क्या होता है, जहां पे एक्टोडर्म है यहाँ, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी एक्टोडर्म की लेयर है और यहाँ पे ये एंडोडर्म है, दिस वन इज योर एंडोडर्म जो कि गट बनाएगा। एक्टोडर्म जो है वो क्या बनाने वाला है, बॉडी लाइनिंग, एंडोडर्म क्या बनाएगा, गट की लाइनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये मीजोडर्म जो है ये एक्टोडर्म को भी कवर करेगा और ये एंडोडर्म को भी कवर करेगा। तो अब क्या हुआ, अब जो ये बीच में आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस वन, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलोगे कि यस दिस इज ट्रू सीलोमेट। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि इस वाली कंडीशन में क्या होता है, दो मीजोडर्म की लेयर होती है, मीजोडर्म की दो लेयर होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एक एक्चुअल पाउच लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसमें सारे विसरल ऑर्गन्स रखे हुए होते हैं, ठीक है। विसराज जो होते हैं, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो सब क्या होते हैं, वो सीलोम लाइक यानी पाउच लाइक कैविटी के अंदर रखे हुए होते हैं, ये सीलोमेट्स में होता है, ठीक है। तो ट्रू सीलोमेट्स जो होते हैं वो बाकी आगे बड़े सारे इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सब ट्रू सीलोमेट्स होंगे, काइनोडर्म्स जो है वो ट्रू सीलोमेट्स में आते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे ये जो है दैट इज एस्कैरिस जो है ये निमेटोड्स का एग्जाम्पल है और ये क्या होते हैं, ये स्यूडो सीलोमेट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। आप मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आप एस पाठशाला की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अगर आप कोई भी पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं जिससे आप CUET, लाइफ साइंस CUET, जुआलॉजी जो है वो बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो आई एम गाइडिंग देयर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी करना चाहते हैं, जो भी एक बार में अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो लेट्स सी यू देयर, एंड तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।